ये कहानी काफी पुरानी है। ये उस वक्त की कहानी है जब इस धरती पर सिर्फ शैतानों का राज था। आज बाबा गुप्ता जी के घर आए हुए हैं क्योंकि काफी दिनों से मिश्रा जी को रात में डरावने सपने आते थे, इसलिए बाबा चेक करेंगे कि गुप्ता जी सही बोल रहे हैं या नहीं। तभी गुप्ता जी बाबा से पूछते हैं, बाबा आप चाय पियोगे या कॉफी? बाबा कहता है, गुप्ता जी आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक गिलास घड़े का पानी पिला दो, गर्मी भी काफी तेज हो गई है, हर 5 मिनट में प्यास लग जाती है। और गुप्ता जी बाबा के लिए पानी लेने किचन में चला जाता है। बाबा को गुप्ता जी के रूम से कुछ अजीब सी महक आती है। बाबा समझ जाता है कि जरूर इस घर में कोई प्रेत आत्मा का साया है और गुप्ता जी पानी लेकर आ जाता है और बाबा गुप्ता जी से कहता है, गुप्ता जी मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें डरावने सपने क्यों आते हैं। गुप्ता जी पूछता है, क्या हुआ बाबा? मैं ठीक तो हूँ ना, क्या हुआ है मेरे साथ, बताओ मुझे। तभी बाबा कहता है, गुप्ता जी तुम्हारे घर में किसी प्रेत आत्मा का साया है जो तुम्हें धीरे धीरे पागल कर देगा, तुम्हें ठीक से सोने नहीं देगा। उस प्रेत आत्मा को कुछ चाहिए जिसको वो बताना चाहती है। बाबा समझ चुका था गुप्ता जी को क्या परेशानी है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही समाधान है, गुप्ता जी को बताना होगा उसने सपने में क्या देखा है। मगर गुप्ता जी को कुछ याद ही नहीं है कि उसने सपने में क्या देखा है। गुप्ता जी कहता है, बाबा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने सपने में क्या देखा है, मुझे सिर्फ एक चुड़ैल दिखती है और वो हवा में उड़ते हुए कुछ बोलती है। बाबा कहता है, गुप्ता जी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। बाबा का दिमाग काम नहीं कर रहा है और सोचते सोचते रात काफ़ी हो जाती है और गुप्ता जी को नींद आने लगती है। तभी बाबा कहता है, गुप्ता जी तुम सो जाओ, तुम्हें नींद काफ़ी आ रही है, मुझे अभी 12 बजने से पहले जंगल के उस पेड़ को ढूंढना होगा जो रात में चमकता है। और बाबा इतना कहकर गुप्ता जी के घर से चला जाता है। इधर गुप्ता जी अपने बिस्तर में सोने की कोशिश करता है। गुप्ता जी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। गुप्ता जी सोच रहा है कहीं वो चुड़ैल सपने में ना आ जाए। और तभी बाहर से कुछ जानवर की आवाज आती है। जानवर की आवाज सुनकर गुप्ता जी काफी डर जाता है और उठकर खड़े हो जाता है। और तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। गुप्ता जी की हालत खराब हो चुकी है। गुप्ता जी फौरन उस कमरे से भागकर बगल वाले कमरे में चला जाता है, मगर दरवाजे को लगातार कोई पीट रहा है। गुप्ता जी मिश्रा जी को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकालता है और तभी अचानक याद आता है कि मिश्रा जी आज ही फ्लाइट से दुबई के लिए निकल गया है, उसको आने में 2 से 4 दिन लग जाएंगे। गुप्ता जी हिम्मत करके दरवाजे को खोलता है। गुप्ता जी बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है मगर कोई दिखाई नहीं देता है, मगर सामने एक सूखे पेड़ पर कुछ दिखाई देता है। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो गुप्ता जी के सपने में आता है, मगर ये चुड़ैल तो आज सामने ही आ गया है। लगता है आज गुप्ता जी का आखिरी दिन है। इधर बाबा जंगल में उस पेड़ की तलाश में जंगल में भटक रहा है। बाबा चलते चलते जंगल के काफी अंदर चला जाता है और तभी सामने कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है। बाबा उस रोशनी की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद बाबा उस चमकीले पेड़ के पास पहुंच जाता है, मगर बाबा इस पेड़ का क्या करने वाले हैं। और इधर गुप्ता जी का उस चुड़ैल को देखकर हवा निकल जाता है और दौड़कर घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। गुप्ता जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, बाबा को आने में अभी काफी समय है। गुप्ता जी धीरे धीरे अपने कमरे में जाता है।
अरे ये चुड़ैल गुप्ता जी के रूम में पहुंच गई है। गुप्ता जी काफी डर जाता है और उस कमरे से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते गुप्ता जी एक गांव में पहुंच जाता है और एक अंकल उसे मिल जाते हैं और वो अंकल गुप्ता जी से कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना भाग क्यों रहे हो? और गुप्ता जी सारी बात उस अंकल को बताता है। अंकल उसे एक बड़े से वेयर हाउस में ले जाता है और बैठने को कहता है, लेकिन गुप्ता जी को पता नहीं कि ये वही चुड़ैल है जिसने एक अंकल का रूप धारण करके गुप्ता जी के सामने आया है। इधर बाबा उस पेड़ के सामने एक गोला बनाकर खड़े हो जाते हैं और कुछ मंत्र बोलने लगते हैं। तभी तेज तूफान शुरू हो जाता है और बिजली भी कड़कने लगती है। लगता है बारिश होने वाली है। बाबा अपनी शक्ति से जीन को बुला रहा है और तभी उस पेड़ में आग लग जाती है। अरे क्या हुआ, लगता है बाबा की शक्ति का उल्टा असर हो गया। बाबा को ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। बाबा वहाँ से फौरन उल्टे पांव भागने लगते हैं। बाबा भागते भागते उसी गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ उस चुड़ैल ने गुप्ता जी को पकड़ रखा है और तभी सामने वेयर हाउस से चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाबा को समझ नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है और बाबा उस वेयर हाउस की ओर बढ़ने लगता है। बाबा देखता है वह चुड़ैल गुप्ता जी को लेटाकर उस पर काली शक्ति से कुछ कर रही है। लगता है गुप्ता जी का आखिरी समय चल रहा है। बाबा को फौरन कुछ एक्शन लेना होगा। बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल पर एक जोरदार हमला करता है और चुड़ैल वहां से भाग जाती है।